अच्छे होता बंदे। यहाँ से वो मंदिर दिखता है, ये सबसे बेस्ट पार्ट है मेरे गांव के घर की। छोटा सा मंदिर घर में भी है। फिलहाल चाय मेरी बन रही है, इतने में प्लांट्स में पानी डाल देता हूँ। सो गए प्लांट्स ऐसा लगता है, बहुत प्यासे। ये टमाटर है, टमाटर आगे भी बोना है पर लॉकडाउन की वजह से मैं जा नहीं रहा हूँ प्लांट्स लेने। कुदरत का कहर भी जरूरी था भाई, वरना हर एक कोई खुद को ही खुदा मान चुका था। कल तक जो कहते थे मरने तक की फुर्सत नहीं, आज फुर्सत से बैठे हैं मरने के डर से। माटी सा है संसार, खेल सको तो खेल लो भाई। बाजी अब रब के हाथ में है, पूरा विज्ञान है फेल। वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। स्टे एट होम एंड स्टे सेफ। तो आज मैं आया हूँ अपने डॉग को वॉक पे लेके। पता नहीं आपको पीछे दिख रहा है कि नहीं। नहीं दिख रहा आपको? ओके, तो फ्रंट कैमरे से जब मैं बैक कैमरे पे करूँगा तो आपको दिख जाएगा। यहाँ पे बारिश जैसा मौसम है, पता नहीं आपके यहाँ पे कैसा होगा। मैं हूँ हरियाणा में, रोहतक में। तो यहाँ पे परसों से ही बारिश जैसा मौसम है, और इनफैक्ट बारिश भी हुई है 8-10 मिनट। इतनी सी बारिश में ही किसानों के बहुत से गेहूं की फसलें ख़राब हो जाती है। आई होप ज़्यादा नहीं नुकसान हुआ हो, ताकि एक तो बीमारी से हम उलझ ही रहे। पता चला कि खाने को भी गेहूं नहीं बचे। सैफ्रॉन माय डॉग। अरे किधर? ओ देखो ऊपर कुत्ता दिख रहा है आपको। अभी इनका बार्किंग गेम चालू हो जाएगा कुछ देर। वैसे ये वाला कुत्ता इतना परेशान नहीं करता है, इसको दूसरा कुत्ता है वो काफ़ी भौंकता है, तो ये काफ़ी चालू। ये वाला कुत्ता एक इंटरेस्ट नहीं है, चला गया वो। ये आ गया उसके जोड़ीदार। चलो कम, गुड बॉय। ये देखिए, ये जो है ये सिर्फ इसी टर्मिनल पे रस्ट बोलो क्या करो ऐसा येलोइश कलर का ऐसा जम जाता है। तो इसके लिए बेस्ट तरीका क्या है कि गर्म पानी से इस टर्मिनल को क्लीन अप करो, पूरा पोर कर दो गर्म पानी, तो ये पूरा रस्ट एक बार में उतर जाता है। उतरने के बाद इसको ड्राई करो टिश्यू पेपर से या नेचुरली ड्राई होने दो। ड्राई होने के बाद इस पर ढेर सारा वैसलीन लगा दीजिए,
वैसलीन लगाने की वजह से क्या है, एयर इसके कांटेक्ट में नहीं आएगा या रस्ट नहीं होएगा, लेकिन ये 100% सोल्यूशन नहीं है। ये फॉर टाइम बीइंग जब तक आपका कुछ सोल्यूशन ना आ जाए तब तक का ही ये है, इसके 100% सोल्यूशन नहीं है। ठंड में तो 100% का सोल्यूशन है, क्योंकि ठंड में किसी भी तरीके का गर्मेश सन से आती नहीं है ताकि ये वैसलिन पिघले, लेकिन गर्मी के मौसम में ये देखिए गर्मी के मौसम में वैसलिन पिघल जाती है और अभी यहाँ पे देखेंगे ना तो रस्ट लगना चालू हो चुका है, पिघल रही है और चंक लग रहा है। अब मैं गर्म पानी लाके ये वैसलिन पूरा हटा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ से पूरा का पूरा लूप मेरा करोड़ों के जंग खा के गायब ही हो गया है। इसके वजह से कांटेक्ट प्रॉपर नहीं होता है, ये इतना लूज है देखिए। अगर मैं चाहूँ तो इसको पूरा निकाल सकता हूँ पर निकालूंगा नहीं, नेगेटिव टर्मिनल है, मुझे पता नहीं नेगेटिव टर्मिनल पहले निकालूँ कुछ दिक्कत तो नहीं हो जाएंगी। तो इसको ड्राई होने के लिए छोड़ देता हूँ। ये जो नेल्स डाले थे देखो, नेल्स आगे से कितने पतले हो गए। तो टर्मिनल लूज है, देखता हूँ चालू करके गाड़ी चालू होती है कि नहीं। डायल्स में लाइट चालू हो जाती है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये देखिए इनफैक्ट स्क्रीन पे देखेंगे आप एफ लिखा आ जाएगा। ज़्यादा ट्राई नहीं करता हूँ, ना बैटरी ड्रेन होगी ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ये एक सिंबल आ गया, स्टीयरिंग जाम, बैटरी लो है, स्टीयरिंग जाम हो चुका है। अब जब तक बैटरी फुल पावर में इसको नहीं प्रोवाइड होगी मेरा स्टीयरिंग, क्योंकि इलेक्ट्रिकली असिस्ट होता है ये, जस्ट हो गया जाम। टाइट हो गया अभी ये। हे भगवान मदद करना। लाइट्स एज यूजुअल ऑन हो चुकी है पहले भी। और ये देखिए जो स्टीयरिंग जाम का बटन था ना, स्टीयरिंग मैल फंक्शनिंग का, वो क्या है स्क्रीन भी चालू हो गया। आरपीएम 1000 से ज़्यादा है, मेरी गाड़ी चालू हो गई है। पेट्रोल कम है, प्योर कोकोनट ऑयल तो है नहीं, तो मैं फ़िलहाल के लिए ये वाला लगा देता हूँ एडवांस। इसमें भी कोकोनट दिखा रखा है क्योंकि इससे क्या आएगा, नीचे भी जहाँ पे जंग लग रहा है ना, अगर एक्स्ट्रा ऑयल है वहाँ पे चला भी जाता है तो वो अच्छा ही रहेगा, कुछ गड़बड़ नहीं होगा।
देखिए कैसे कैसे जुगाड़ करने पड़ते लॉकडाउन में। एक्चुअली मुझे सर्विसिंग करानी थी, तो मुझे लगा सर्विसिंग कराऊंगा और अचानक से लॉकडाउन ही हो गया, सर्विसिंग कराने का मौका ही नहीं मिला। तो सर्विसिंग के टाइम पे सोचा था ये काम भी अपना करा लूँगा।